तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान में अपने पिछले शासन के दौरान अफीम की खेती पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, जिसके चलते गैरकानूनी ड्रग्स का कारोबार थम गया था। हालांकि 2001 में अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में कमी ज़रूर देखी गई थी, लेकिन बाद के सालों में यह देखने को मिला है कि तालिबान नियंत्रित इलाकों में अफीम की खेती बढ़ती गई। अफीम को इस तरह से परिष्कृत किया जाता है कि उससे काफ़ी अधिक नशा देने वाले हेरोइन जैसे ड्रग्स तैयार होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के मुताबिक अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान है। दुनिया भर में अफीम के कुल उत्पादन का 80% से ज़्यादा हिस्सा अफगानिस्तान में होता है। 2018 में UNODC के आकलन के मुताबिक अफगानिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था में 11% की हिस्सेदारी अफीम उत्पादन की थी। अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है, जब हम लोगों की सरकार रही है तब ड्रग्स का उत्पादन नहीं हुआ है। हम लोग एक बार फिर अफीम की खेती को शून्य तक पहुंचा देंगे, कोई तस्करी नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के शासन में अफीम की खेती बढ़ी थी। यह 1998 के 41,000 हेक्टेयर से 2000 में 64,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। दुनिया के कुल अफीम उत्पादन का करीब 39% हिस्सा हेलमंद प्रांत में होता है और इस प्रांत के अधिकांश हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण रहा है। लेकिन जुलाई 2000 में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले हिस्से में अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दी थी। मई 2001 की एक UN रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान नियंत्रित इलाकों में अफीम उत्पादन पर लगी पाबंदी पूरी तरह से कामयाब रही है। तालिबान की पाबंदी के दौर में 2001 और 2002 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम और हेरोइन पकड़े जाने के मामले भी कम देखने को मिले थे। हालांकि इसके बाद स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। वैसे पिछली सरकार की ओर से नियंत्रित खेती किए जाने के बाद भी यह स्पष्ट है कि अधिकांश अफीम तालिबान नियंत्रित इलाकों में उत्पादित हो रहा था। उदाहरण के लिए हेलमंद दक्षिणी अफगानिस्तान का प्रांत है, इसके अधिकांश जमीन पर 2020 में अफीम की खेती हो रही थी, वह भी तब जब वहां तालिबान का नियंत्रण था। अफगानिस्तान में अफीम की खेती रोजगार का सबसे अहम जरिया है। UNODC के अफगानिस्तान के अफीम सर्वे के मुताबिक करीब 1,20,000 लोग इस पर निर्भर थे। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक तालिबान को अफीम पर टैक्स लगाने से आमदनी होती है। इसके अलावा गैर कानूनी ढंग से अफीम रखने और उसकी तस्करी करने पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आमदनी होती है। अफीम उगाने वाले किसानों से 10% टैक्स लिया जाता है। अफीम से हेरोइन बनाने वाले प्रोसेसिंग लैब से भी टैक्स वसूला जाता है और इसके कारोबारी भी टैक्स चुकाते हैं। एक आकलन के मुताबिक गैरकानूनी ढंग से इस ड्रग्स के कारोबार से तालिबान को कम से कम 100 से 400 मिलियन डॉलर के बीच सालाना आमदनी होती है। अमेरिकी वॉचडॉग स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तालिबान की सालाना आमदनी में 60% हिस्सा गैरकानूनी ड्रग्स कारोबार से आता है। अफगानिस्तान में होने वाली अफीम से जो हेरोइन बनाई जाती है उसके 95% हिस्से का इस्तेमाल यूरोप में होता है। अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में हेरोइन आपूर्ति का महज 1% हिस्सा अफगानिस्तान से आता है। यहां अधिकांश हिस्सा मेक्सिको से पहुंचता है। 2017 से 2020 के बीच 90% से अधिक नशीले पदार्थों की तस्करी सड़क के रास्ते हुई है, लेकिन हाल के दिनों में हिंद महासागर और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग के रास्तों पर ज़्यादा ड्रग्स जब्त किए जा रहे हैं। अफीम की खेती, उत्पादन और उसको जब्त किए जाने के मामलों को अगर ग्राफ में देखें तो यह स्पष्ट है कि बीते 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान में यह लगातार बढ़ा है। अमेरिकी वॉचडॉग स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक अफीम को जब्त किए जाने और तस्करों की गिरफ्तारी का इसकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके मुताबिक 2008 से अब तक जितनी अफीम जब्त हुई है वह 2019 के एक साल के उत्पादन का महज 8% हिस्सा है।